हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। तो ये है संडे का दिन और संडे का दिन होता है मेरा फुल बिजी डे वाला दिन। और आज तो हमारे सुबह 3 बजे से ही बारिश हो रही है और हुई है लगभग 7-7.5 बजे तक बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारा काम मेरा फैल गया था और संडे को तो वैसे ही मेरा काम फैलता है। तो अंदर का मैंने सारा काम जो साफ़ सफाई का था वो मैंने कर लिया था और ये बाहर का पोर्शन था। तो बाहर का ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी में झाड़ू ढंग से चलती नहीं है। तो जहाँ मुझे मोटा मोटा गंदगी दिखा तो उतना मैंने उसको साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने संभाली मेरी किचन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था साफ़ सफाई करने में, तो बच्चों को भी भूख लग आई थी। तो यहाँ पर मैं मेरी चाय जो रखी हुई थी वो गर्म करके मैंने ली है और बेटे का है उसका दूध बना रही थी यहाँ पे। और फिर करूँगी मैं उसके बाद खाने की तैयारी। तो आज बच्चों से मैंने पूछा था कि भाई क्या खाना है आपको, तो बच्चे बोले थे मम्मी काफ़ी दिन हो गए तो आपने इडली सांभर नहीं बनाया, तो आज इडली सांभर ही बना दो। तो आज मैं पूरे प्रोसेस के साथ आपको बताऊँगी। और आज तो मेरे घर में टमाटर भी नहीं है, तो बिना टमाटर के इडली सांभर मैं कैसे बनाती हूँ ज़रूर देखिए। जो भी घर में मेरे अवेलेबल होता है मैं उसी से इडली सांभर बना लेती हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं बस जो मेरे घर में था उसी से मैं इडली सांभर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर में पानी भर लिया है और ये दाल है अरहर की, और इसमें मैंने कई सारी सब्जी हैं जो मेरे घर में बच जाती हैं वही सब्जी हैं, जैसे कि लौकी है, कासी फल है, आलू है, और आपकी बैंगन है, और चौड़ाई की फली है। तो ये सारी चीज़ जो मेरे घर में अवेलेबल थी वही मैंने सब्जी इसमें डाल दिया थोड़ी थोड़ी करके। तो बस मैं इसमें ज़्यादा नहीं, लगभग 5 से 6 सीटी लगवाऊँगी, और 5-6 सीटी में ही मेरी मतलब दाल और ये सब्जियां हैं ये सारी उबल करके अच्छे से उबल जाएंगी। उसके बाद फिर मैं ऊपर से इसमें लगाऊंगी तड़का, और उसके बाद उबालने से पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाला है। और इसी में डाल दूंगी मैं साथ साथ नमक, नमक मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर और टेस्ट के अकॉर्डिंग जब मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा बाद में डाल दूंगी। और अब लगा दिया है मैंने ढक्कन, और बस इसको गैस पे मैं हाई फ्लेम पर उसको कम से कम 5 से 6 सीटी लगवाऊँगी, जिसमें मेरी ये सांभर अच्छी तरीके से उबल जाएगी। और यहाँ पर मैंने कटोरे में जो मेरी हफ्ते भर की मलाई थी जो मैं स्टोर करती हूँ उसका मैं निकालूंगी आज घी, तो मैं वही यहाँ पर कढ़ाई में मैंने उसको पलट दिया है। लगभग 2 कटोरे फुल हो जाते हैं मेरे पूरे हफ्ते भर में। और दूसरी गैस पर रख दूंगी मैं ये मलाई वाली कढ़ाई, जिसमें कि अपने आप धीरे धीरे इसमें से घी निकलता रहेगा, उबलती रहेगी। उसको मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं करूँगी अब इडली की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो सूजी लिया, और ये बारीक सूजी है, और 1 बड़ी कटोरी मैंने लिया है दही, और लूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी मुझे इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको एक तरीके से भिगो के रखना है। अभी देखिए इस तरीके का मैंने इसको बनाया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको अच्छी तरीके से इस पानी को मिला दूँगी, जिससे कि सूजी ये फूलेगी। तो इसको मैं लगभग 20 मिनट के लिए रख दूँगी ढक कर के, इस तरीके से मैंने इतना पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं सिर्फ ढक करके रख दूँगी, फिर 20 मिनट बाद इसको मैं चेक करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे कुकर की ढक्कन है वो खोल लिया है, और यहाँ पर सांभर देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुका है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया था, मैंने ज़ीरा और राइस में डाल दिया है, और ज़ीरा राइस तड़कने के बाद में मैंने इसमें डाला प्याज और हरी मिर्च। अब इनको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, यानी कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसी से मैंने ये सांभर बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्याज अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैंने यहाँ पर मेरे कुछ मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको भी अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिलाऊँगी जिससे कि मसाले नीचे लगे नहीं। तो उसी कटोरी में जिसमें मैंने मसाले भिगोए थे उसी में थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, और जब तक भूनूँगी जब तक इसका तेल है वो अलग नहीं हो जाता। और फिर मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें सांभर मसाला, इसको भी थोड़ा सा मैं पानी डाल करके भूनूंगी, क्योंकि सांभर मसाला डालने के बाद में थोड़ा सा जो मसाला है वो थिक हो जाता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जिससे कि वो मसाला है वो लगेगा नहीं और भून भी अच्छी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैंने इसमें डाल दी है कच्ची कैरी,
जो मैंने काट के पहले से रखी हुई थी। अब इसके बाद में मैं उबली हुई सांभर है उसको मैं पलट दूंगी और मैं इसकी कंसिस्टेंसी देखूंगी कि किस तरीके की मुझे सांभर चाहिए। मेरे घर में सब पतली सांभर खाते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि जितनी आपके घर में सांभर जैसी भी जो कोई खाता है तो आप उस हिसाब से अपने सांभर में पानी डाल सकते हो। तो मेरे यहाँ पर सांभर है वो पतली खाते हैं तो मैंने उस हिसाब से पानी डाला। और देखिए यहाँ पर मेरा घी है वो भी बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैं इडली का बैटर है उसको चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और डाल रही हूँ इनो पाउडर, और इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल करके फर्मेंट करूँगी और इसको तुरंत ही मैं रखूँगी नहीं, इडली स्टैंड में ऑयल लगा कर ग्रीस कर कर और इसमें तुरंत सांचों में उस बैटर को डाल करके और इसमें ओवन में रख दूँगी। तो ओवन मैंने पहले से ही फ्री आउट होने के लिए रख दिया था थोड़ा सा पानी डाल करके। तो इस तरीके से मैंने सारी जो प्लेट है उनको चिकनाई से ग्रीस कर लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इडली बैटर, एक एक चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर इडली है वो क्या है फूलती भी हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें बैटर डाला। अब इनको मैं एक एक करके ये ओवन है उसमें मैं डाल दूँगी। तो ओवन का जो पानी था वो अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका था। आपको ध्यान रखना है जब भी पानी बॉयल हो जाए जब भी आपको प्लेटें ओवन में सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर सारी प्लेटें थी वो ओवन में सेट कर दी थी और इसको लो टू मीडियम हम पकाएंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी सांभर है बिल्कुल पक करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह की सांभर की कंसिस्टेंसी मुझको चाहिए। और ऊपर से मैंने डाल दिया धनिया। और एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने इसमें इमली डाली थी उसका शूट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर मैंने इमली भी इसमें ऊपर से डाली है, आप भी ज़रूर डालिए क्योंकि सांभर है वो खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर है जो मैं अपनी इडली है उनको चेक कर रही हूँ चाकू डाल करके, अगर आपका चाकू साफ़ निकल आता है तो मान के चलिए आपकी इडली बिल्कुल तैयार है। और मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की इडली है वो मेरी तैयार हुई है। तो आप देख सकते हो इस तरह की फूली फूली इडली है वो बन करके तैयार है। तो बस मैं अब इसकी प्लेटिंग कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो कैसी बनी है इडली सांभर? बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर, मस्त, बहुत अच्छा। तो खाना हम लोगों का हो गया था कंप्लीट, सबने बड़े प्यार से खाया, यानी मेरी मेहनत पूरी सफल हो गई। फिर मेरा एक कॉल आ गया था तो मुझे जाना पड़ रहा है अर्जेंटली कुछ काम से। और यहाँ पर देखिए कावड़ वालों की जो रैली है वो निकल रही है, यानी कि सावन में जो कावड़ यात्री चलते हैं पैदल वाले वो यहाँ पर निकलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं मिल रही हूँ आपसे अब शाम को। खाना खाने के बाद मेरा अर्जेंट एक कॉल आ गया था, फिर मुझे मेरे बेटे के साथ जाना पड़ा। जब से मेरा अब आना हुआ है तो बस अब मैं जैसे ही वहाँ से आई हूँ तो सीधी आपके सामने हूँ। तो आज था संडे, संडे का दिन था मेरा पूरा बिजी, फुल डे रहता है संडे का, क्योंकि इस दिन संडे के दिन मेरा काफ़ी पूरे हफ्ते भर का जो पेंडिंग काम होते हैं वो मैं संडे को ही करती हूँ। कपड़े वगैरह जो इकट्ठे होते हैं बच्चों के वो धोने होते हैं, मेरे हो जाते हैं, मेरे हस्बैंड के हो जाते हैं, और घर की मतलब घर की वैसे तो करके जाती हूँ साफ़ सफाई, लेकिन संडे के दिन थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है। तो मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। फिर बच्चे रहते हैं घर में तो खाने पीने की नई नई फरमाइशें शुरू हो जाती है। तो आज बच्चों ने फरमाइश की थी इडली सांभर की, क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है और काफ़ी दिन से कह भी रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो आज मैंने उन्हीं की डिमांड पर बनाया था इडली सांभर, और काफ़ी दिनों में बनाया था, बना भी बहुत टेस्टी था, और वो भी बिना टमाटर के। आपको पता है टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं भाई, मेरे घर में तो एक हफ्ते से टमाटर नहीं है, बिना टमाटर की ही सब्जी बन रही है मेरे घर में भी, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। ये कहते हैं कि तू तो टमाटर डालना ही छोड़ दे, वैसे भी महंगे हो रहे हैं। तो आज मैंने सांभर बनाई थी वो भी बिना टमाटर की बनाई थी, और बहुत बनी भी बहुत टेस्टी थी, वाकई मज़ा आ गया खा के। तो बस इसी के साथ आप पहुँची उस ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरी आज की इडली सांभर और मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आगे की जो मेरी मंजिल है उसे पाने मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी विज़िट करिएगा।
तो बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आप मेरी वीडियो देख के बता सकते हो कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। अगर कोई भी आपका ओपिनियन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।